नमस्कार, मैं आंचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शनिवार के दिन की जाने वाले उपाय की, जो कि हमें बहुत लाभ दे सकते हैं। शनिवार बहुत ही कड़ा वार माना जाता है, शनिदेव का वार भी माना जाता है। शनिदेव के कुप्रभाव से व्यक्ति को कई बार बहुत प्रकार की परेशानियां सहनी पड़ती हैं, सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जिन पर शनि देव की कृपा बनती है उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। व्यक्ति की कुंडली में साढ़े सती और ढैया होने पर ये उसकी सफलता में बाधक भी बन सकती हैं। इनसे मुक्ति हेतु कुछ सरल उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आप शनिवार के दिन अगर करें तो आपको बहुत लाभ मिल सकता है। आपकी बाधाएँ जो आ रही हैं काम में वो भी दूर होंगी, जिससे व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें बताना चाहूँगी कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार कुंडली में ग्रह जब नीच हो जाते हैं उस वजह से भी होती है। वो प्रॉब्लम चाहे पैसे से रिलेटेड हो, कर्जे से रिलेटेड हो, संतान से रिलेटेड हो, बच्चा नहीं हो रहा, स्टडीज से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसका हल हो सकता है। कुंडली से जब हम कुंडली के ग्रह देखते हैं कि वो ग्रह नीच है, उसके उपाय करके ग्रह को उच्च कर लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुंडली देखना ज़रूरी है। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तब भी आप हमें नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है, जन्म तिथि नहीं है, जन्म समय नहीं है, तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कुंडली देखने के हमारे चार्जेस हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको आज उपाय बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे, जो कि शनिवार के दिन करने से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकती हैं, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो तो चाहे पैसे से रिलेटेड हो। सबसे पहले प्रत्येक हर शनिवार को कोशिश करें कि काले तिल, आटा, शक्कर, इन तीनों चीज़ों को मिला लें। इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा आप कटोरी में मिला लीजिए, 2-3 चम्मच, और चींटियों को डालिए। अगर आप बड़े भंडारे नहीं कर सकते, ये भी एक भंडारा माना जाता है, चींटियों को डालिए, इससे शनि की दशा अच्छी होती है और शनि के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। दूसरा उपाय, बंदरों को गुड़ व चना खिलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, नहा धोकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, और हनुमान जी का पूजन करने से व्यक्ति को शनि दोषों का सामना नहीं करना पड़ता, और पूजा करने के बाद बंदरों को भुने हुए काले चने और गुड़ मिक्स कर खिलाएं। शनिवार के दिन जब आप सुबह उठकर नहा धो लेते हैं तो आप कटोरी में तेल ले लीजिए, सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें, उसके बाद उस तेल को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें, या फिर अगर जो शनिवार के दिन मांगने वाले आते हैं उन्हें दे दीजिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भाग्य संबंधित बाधाएँ भी दूर होती हैं, और अगर घर में कोई बहुत बीमार रहता है वो अगर तेल में अपना चेहरा देख कर तेल दान करे तो उसकी जो बीमारी है वो भी दूर होती है। शनिवार के दिन अगर आप ये उपाय रेगुलरली कर लें जो मैं बताने जा रही हूँ, तो शनि के किसी भी प्रकार के कष्ट से आपको मुक्ति मिल सकती है। आपको काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े में नारियल, जटाओं वाला नारियल बांध लीजिए, एक लोहे का कील, काले उड़द की दाल, ये तीन चीज़ें बांध लीजिए, और सरसों का तेल ले लीजिए। ये शनिदेव मंदिर पर आपको चढ़ाना है और एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ऐसा करने से शनि के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं, और शनिवार के दिन अगर रेगुलर आप ये उपाय करें तो आपको धन संबंधित सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं और आपकी आर्थिक तंगी भी दूर हो सकती है। कुंडली रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक एंड शेयर अपनी फैमिली के साथ जरूर करें, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल बटन भी दबाएं ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूं वो भी आप तक जरूर पहुंच सके। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय।